तो भाई आप लोग का स्वागत है एपिक जर्नी के एक और एपिसोड में, जिसमें हम करेंगे एपिक चीजें। तो वीडियो की शुरुआत मैं पहले शाउट आउट से करता हूं। तो पहला शाउट आउट है शौविक माइनक्राफ्ट गेमिंग का, प्लीज शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। दूसरा शाउट आउट है माइनक्राफ्ट ब्रो गेमिंग का, वो बोलते हैं प्लीज शाउट आउट मी फेस रिवील। तीसरा शाउट आउट है बाबू सिंह का, वो बोलते हैं शाउट आउट मी। अगले है माइनक्राफ्ट SD यूट्यूब TV, प्लीज शाउट आउट मी इन नेक्स्ट एपिक वीडियो। अगला शाउट आउट है फारा सोमारू का, बोलते हैं प्लीज गिव मी शाउट आउट। तो लीजिए भाई, आप लोगों का शाउट आउट हो चुका। तो अब मैं दिखाता हूँ पिछले बार मैंने जो बी फार्मिंग की थी उसमें क्या क्या अपडेट्स किए मैंने। तो ये देखिए मेरे बी फार्मिंग का हाउस, जहां मैंने खूब सारे बी हाइव बना के रखे हुए हैं। और ये धुआं जो निकल रहा है आपको, ये है नीचे मैंने कैंप फायर प्लेस किया हुआ है, ताकि जब भी मैं इसमें से शहद निकालूं यानी हनी निकालूं तो इन लोग मुझ पर हमला ना करें। थैंक्स टू यू गाइस, आप हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये मुझे दिया था एडवाइस उसैद अंसारी ने, भाई हनी कलेक्ट करने के लिए कैंप फायर बिहाइव के नीचे प्लेस कर दो, फिर तुम्हें नहीं काटेगी। तो यहाँ पर टोटल 11 मैंने बना के रखे हुए हैं, इतनी जगह थी इसीलिए। अभी इसमें से दो बिहाइव भरे भी हुए हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए मुझे बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी मैंने रखा हुआ नहीं है। तो थैंक यू गाइस, ऐसे हेल्प करते रहिएगा मुझे, मैं भी आपको शॉर्ट आउट देता रहूँगा। अभी मेरी सारी बीज अभी अंदर में है, जब बाहर निकलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने ब्रीडिंग कराकर काफ़ी सारी बीज बना के रखी हुई है, पहले केवल दो ही थे। अब जिन लोगों के पास मेरे वर्ल्ड का सीड नहीं है, फिर मैं आपको दे देता हूँ अपना सीड, ताकि आप मेरे वर्ल्ड में भी खेल सकें और साथ में मुझे एडवाइस दे सके या बता सके कि कहां कहां पर मुझे अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो ये है मेरा सीड, वापस इसे नोट कर लीजिए, ताकि आप मुझे आगे के एपिसोड्स में भी बता सके कि मुझे क्या क्या आगे मिल सकता है। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बीज। देखिए कितनी सारी बीज है मेरी, निकल के बाहर आ गई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अभी और भी हैं, काफ़ी अंदर हाइव में छुपी हुई, एक और निकली है देखिए। बढ़िया, थोड़ी देर में पॉलिनेट होके वापस अपने बीहाइव में चली जाएंगी। तो यही करते रहती है दिन भर ये। यहाँ पर मैंने एक लैंप भी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि पिछले बार यहाँ अंधेरा होने के कारण मॉन्स्टर स्पॉन हो जा रहे थे। अब बारी है अचीवमेंट्स चेक करने की। देखिए मैंने काफ़ी प्रोग्रेस की है, तो देखते हैं क्या क्या मैंने अचीव किया हुआ है अभी। तो देखिए ये है मेरी अचीवमेंट्स, मैंने 12% तक अचीव कर लिया, पिछले बार शायद 8% था। तो अभी रिसेंटली मैंने पॉट प्लांटर यानी कि एक पॉट बनाया था, तो वो मैंने अचीव किया हुआ है। उसके बाद काउ टिपर है, यानी कि मैंने लेदर मारा था, दो लामास थे उसको। फिर बी अवर गेस्ट, इसलिए मैंने इस एपिसोड में, पिछले एपिसोड में बी फार्मिंग की थी कि इन अचीवमेंट्स को मैं पूरा कर सकूं। तो कैंप फायर को कलेक्ट करके हनी मैंने बना लिया है। फिर हैव अ शेयरफुल डे, उसमें मैंने वूल कलेक्ट किया था एक शीप से। तो इतने सारे अचीवमेंट्स मैंने पूरे कर लिए हैं। तो बीच बीच में मैं आपको अपना प्रोग्रेस दिखाता रहूँगा। तो ये तो बात हुई बी फार्मिंग की। देखिए कितना अच्छा मेरा जो सेटअप है वो तैयार हो चुका है, अब मुझे शहद मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस यार, बहुत मज़ा आया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, मुझे एक विलेज में जाना है जिसका कोऑर्डिनेट आप ही लोगों ने मुझे दिया था। मेरे पास एक कमेंट आया था संजय गर का, बोलते हैं ब्रो देयर इज अ विलेज 128-69-322 एंड शाउट आउट प्लीज। तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ इतने सारे फ्रेंड्स आपके हेल्प करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये चीटिंग नहीं है, ये है एक्सप्लोरेशन। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे वर्ल्ड में और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, इंटरेस्टिंग चीजें। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, उसे मैं ढूंढूं या आप मेरी हेल्प करें, हमें तो केवल इस एपिक जर्नी में एपिक चीजों को एक्सप्लोर करना है। तो ये है मेरा फार्म, देखिए इतनी सारी चीजें मैंने उगा के रखी हुई है। मैंने अभी वाटरमेलन लिया क्योंकि मेरी हंगर मीटर काफी डाउन हो चुकी थी। तो चलिए अब घर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पॉट बनाया था। एक्चुअली जब मैं बीज को पिछले एपिसोड में ढूंढ रहा था, तो मुझे कई जगह क्ले मिले थे, तो उनको मैंने कलेक्ट कर लिया था। क्ले जो होता है वो आपको किसी भी वाटर सोर्स के बेस में या फिर रिवर के बेस में मिल जाता है, उसको आपको बेक करना पड़ता है, उससे आपको मिलते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स से आप बना सकते हैं पॉट। ये देखिए मैंने पॉट बनाए हुए हैं, यहाँ पर दो अच्छे लग रहे हैं। देखूंगा मुझे और जगह दिखेंगे तो और भी जगह उनको प्लेस करूंगा।
तो अभी तो केवल मैंने दो लगाए हुए हैं, और भी रखे हुए हैं मेरे चेस्ट में, मैंने शायद 7 या 8 बनाए थे, तो 8 और बाकी है, देखिए 10 बनाए थे टोटल। तो मैं इनको लगा के दिखाता हूँ, काफ़ी कूल है भाई। एक ब्रिक आपको दिख भी रहा होगा देखिए, और मेरे चेस्ट में आप एक हनी ब्लॉक भी देख सकते हैं, मैंने एक हनी ब्लॉक भी बना के रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना कूल लगता है, आपको बस पॉट रखना है और साथ में एक जो कोई भी फूल रखना है साथ में, बस आपको प्लेस कर देना है नीचे पॉट, पॉट के ऊपर रखना है आपको ये फ्लावर। कितना अच्छा लगता है भाई, वाह ब्यूटीफुल। मुझे ये फ्लावर और कलेक्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। उसके अलावा मैंने घर में माइनर से चेंजेस किए, वो छोटे चेंजेस किए, नीचे वाला एरिया में समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो यहाँ मैंने बहुत सारे चेस्ट बना के रख दिए हुए हैं। ऊपर मुझे स्टोरेज थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं सोचा नीचे का रूम यूटिलाइज कर लिया जाए, इसलिए मैंने खूब सारे चेस्ट यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। और हम एक और चीज़ की क्राफ्टिंग करेंगे, वो है पेंटिंग्स। भाई पिछले वीडियोस में मैंने आपको पूछा था कि कैसे मैं अपने हाउस को और डेकोरेट कर सकता हूँ, तो उसमें से सजेशन एक आया था जिसमें लिखा था कि मैं पेंटिंग्स लगाऊँ घर में। वैसे तो कमेंट्स बहुत सारे आए, आप तो जैसे ये आकाश शुक्ला का है, भाई पेंटिंग लगाओ बोलते हैं, तो चलिए पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग बनाने के लिए आपको एक वूल की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आप एक सराउंड कर लीजिए जो अपने वूल है उसको स्टिक से, उसके बाद आपकी पेंटिंग बन जाएगी। और इसकी खासियत ये है कि ये हर बार चेंज होता है, जितने बार आप लगाएंगे उतने बार ये चेंज होगा। देखिए पहले फर्स्ट प्लेस करता हूँ उसको मैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये, और हर बार इसका साइज़ भी चेंज होता है जितने बार आप लगाएंगे। तो मुझे एक और जगह ढूंढनी होगी कहाँ पर लगाऊँ, तो ये जगह ठीक लग रही है तो यहाँ प्लेस करता हूँ। ओह काफ़ी डरावना है ये, इसे तो नहीं रखने वाला मैं, तो बस इसमें टैप कीजिए तो पेंटिंग टूट जाएगी, वापस आप प्लेस कर सकते हैं। तो इस बार दूसरी आएगी देखिए, तो ऐसे करके आप पूरे घर में पेंटिंग्स लगा सकते हैं। तो अगेन थैंक यू गाइस, चलिए अब मेन काम चालू करते हैं, मुझे वो विलेज ढूंढना होगा, क्योंकि प्रेमलाल पटेल के मुताबिक वहां पर मुझे 3 डायमंड्स मिलेंगे एक चेस्ट में। तो भाई रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल, अब निकलते हैं उस विलेज की। यहाँ देखिए हर बार पेंटिंग चेंज हो रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं बाहर हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ उसी विलेज के साइड। रन तो कोऑर्डिनेट्स में आ गया हूँ मैं, देखिए मुझे दिखना चालू भी होगा, ये है विलेज। तो यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ ज़ॉम्बीज तो नहीं है, और ये है पहला घर, और पहले घर में मुझे चेस्ट मिल गया, और वाओ, अरे वाह यार, इसमें 5 ब्लॉक है ऑब्सिडियन के, और साथ में आर्मर मिला है मुझे, और आयरन के पिकेक्स भी मिले हैं, और 2 आयरन के इंगेट भी मुझे दिख रहे हैं। वाह भाई, अब मेरा नेदर पोर्टल जरूर पूरा होगा, अगले पार्ट में मैं जरूर नेदर पोर्टल पूरा करूंगा। तो सभी सामान मैंने रख लिए हैं, तो चेस्ट को क्यों छोड़ूं, चेस्ट में कभी नहीं छोड़ता। तो मैंने एक्स तो रखा नहीं है, इसलिए पिकेक्स से ही तोड़ लेता हूं, क्योंकि चेस्ट हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको बनाना ही है, तो क्यों ना इसे साथ में ले जाया जाए। अब चलते हैं दूसरे घर में, दूसरे घर में देखते हैं, एक और चेस्ट मिला मुझे, तो देखते हैं इसमें क्या है। डायमंड्स, वो भी 3 डायमंड्स एक साथ, क्या बात है भाई, मेरा लकी डे है ये। इस विलेज में तो खूब सारी चीजें हैं, आगे पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही मुझे इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, क्या बताऊं। अब हम बना पाएंगे डायमंड का पिकेक्स, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। अभी इस विलेज को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मिलेगा। तो घर कहाँ पर है, यहाँ 2 घर थे सामने, इधर तो घर मुझे दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर कहाँ है घर, क्या बस इतने ही हाउसेस थे यहाँ पर, तो घर तो इधर मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओके हाँ इस साइड है घर, तो चलिए इन हाउसेस को भी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ भी सामने मुझे दिख रहे हैं। ओके फॉक्सी भी है यहाँ पर, और ये कैंप फायर है, इसे फिलहाल अभी मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि रात में ये काम आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक्सप्लोर करने में काफ़ी मुझे टाइम लग जाए। तो वो डोर के अंदर डोर, और यहाँ एक और चेस्ट है, लेकिन ठीक है यहाँ पर काफ़ी आर्मर मिले हैं मुझे, और ब्रेड भी मिला हुआ है भाई, और कुछ नहीं तो मुझे आयरन के टूल्स तो ज़रूर मिल गए यहाँ पर।
जो बाद में काफी हैंडी साबित होने वाले हैं। यहाँ अभी तक जितने घर में घुसा हूं मैं, अभी सब में मुझे चेस्ट मिले हैं। और ये भी विलेज पूरा अबंडेंट है, यहाँ के विलेज कहाँ गए पता नहीं, अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ये घर तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इस साइड क्या है। वो सामने एक और घर दिख रहा है, तो चलिए उस साइड चलते हैं। तो यहाँ से रास्ता है मेरे ख्याल से, तो ओके नीचे और घर है, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, यानी यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी घर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं मुझे यहाँ पर। तो अंदर मैं विंडो से देख सकता हूँ कुछ चीज़ें हैं अंदर में, पर इसका दरवाज़ा है कहाँ से? ओके यहाँ अंदर घुसेंगे कहाँ भाई? ओ भाई इसका दरवाज़ा कहाँ है? क्या मुझे इसे तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा? तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, इधर और घर है तो वापस इधर से ऊपर चढ़ते हैं। उस घर में घुसने का मुझे रास्ता ढूंढना होगा कहाँ पर है, पता नहीं भाई ये जंगल वाले भी कैसे कैसे घर बनाते हैं, यहाँ दरवाज़ा भी नहीं दिख रहा मुझे। तो ऐसा करता हूँ सीधा मैं डर्ट को तोड़ के घुसता हूँ और ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि इस साइड डोर है कि नहीं। तो ये मैंने तोड़ दिया और यहाँ पर देखिए इस साइड भी डोर नहीं है, हो सकता है कि उस साइड हो। तो इस साइड में जाके देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है डोर। भाई इस हाउस का डोर है कहाँ? अरे मुझे दिख गया, उस साइड है डोर, उस साइड है। ओके तो मुझे करना ये है कि इन लॉक्स को तोड़ना है, फिर मैं आराम से उस पार जा सकता हूँ। तो ये देखिए तोड़ दिया और ये है दरवाज़ा, यहाँ से मुझे अंदर घुसना है। भाई इनका ये डोर के अंदर डोर वाला सिस्टम समझ में नहीं आया, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, फालतू में यहाँ घूम रहा था। एक क्राफ्टिंग टेबल और एक बेड खाली है यहाँ पर, कोई काम का नहीं है। तो यहाँ नीचे वाले घर में चलते हैं, देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मुझे। काफ़ी बढ़िया विलेज है भाई, इतनी सारी चीज़ें अभी तक मिल चुकी हैं मुझे। तो इस घर में चल के देखते हैं, यहाँ पर एक फॉक्स है। तो इसका एंट्रेंस कहाँ से है? इसका एंट्रेंस ही समझ में नहीं आता भाई। ओके यहाँ पर है एंट्रेंस, छुपा हुआ एंट्रेंस है, पेड़ से इन्होंने छुपा दिया है, पता नहीं क्या चीज़ है अंदर। तो सामने ये पेड़ को तोड़ देता हूँ मैं, जितनी इसकी पत्तियाँ हैं उसको। अब इसमें एंटर करके देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ भी खाली बेड है, यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं है। तो सामने वाले घर में चलते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। तो यहाँ एंटर करके देखते हैं कि यहाँ कुछ चीज़ मुझे मिलती है कि नहीं। तो यहाँ एक और चेस्ट मुझे दिख रहा है, वाओ, और उसमें मुझे मिला है आर्मर, एक चेस्ट प्लेट मिला है आयरन का, और साथ में मिला है मुझे ये जो शूज़ है, और एक आयरन का पिकेक्स भी है यहाँ पर, इसे भी रख लेता हूँ। तो बढ़िया भाई, दो चेस्ट प्लेट अभी तक मुझे मिल चुके हैं आयरन के, और साथ में मुझे मिला है एक शूज़ वो भी आयरन का। तो भाई अभी तक तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं मुझे इस विलेज में। वहाँ मुझे नीचे एक और घर दिख रहा है, तो यहाँ भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। ऊपर भी एक घर दिख रहा है भाई, अच्छा बड़ा विलेज है ये। ओके सामने एक और घर दिख रहा है, अभी हम सब घर को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है मिले, कोई भी घर छोड़ना नहीं है। तो यहाँ तो केवल बेड है, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं, अगले घर में ज़रूर मिलेगा मुझे कुछ ना कुछ। वैसे भी ना मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, तो शायद ज़्यादा चीज़ें मैं रख नहीं पाऊँ अपने साथ में। देखिए यहाँ पर इनका खेत भी दिख रहा है, लेकिन कोई भी विलेजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो अगेन ये डोर इनडोर सिस्टम, और यहाँ भी मुझे चेस्ट मिला, लेकिन यहाँ कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। ब्रेड तो मिल गई कम से कम, स्टिक्स हैं और साथ में एक आयरन पिकेक्स है, तो सबको रख लेता हूँ, किसी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आया हूँ तो सभी चीज़ें लूट के ही जाऊँगा, तो इस चेस्ट को भी रख लेता हूँ। तो काफ़ी घर तो मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं, अभी सामने वाला घर, ऊपर में एक घर है वहाँ जाता हूँ मैं। इधर भी मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, अभी खेत में मैं बाद में आऊँगा, ये घंटी है। तो अब देखें कहाँ की जगह बच गई है, इस साइड मैं नहीं गया हूँ अभी तक, तो इस साइड जाते हैं, बच के रहना पड़ेगा, बैरीज हैं। ओके तो ये घर नहीं है, ये एक्चुअली में कोई स्ट्रक्चर है, पता नहीं यहाँ क्या होता है। ये अजीब से स्ट्रक्चर मैंने पिछले बार भी देखे थे, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। तो यहाँ नीचे भी मुझे वैसे ही टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो शायद मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है अब तो। मुझे एक साइड और दिख रहा है, उस साइड भी एक दिख रहा है मुझे। तो इस विलेज को मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से इकट्ठा की है। तो चलिए अब चलते हैं, अब वापस घर चलने का वक्त आ गया। अब धीरे धीरे रात भी हो रही है, अब कुछ घर भी नहीं दिख रहे मुझे। पर घर में जाने के पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस विलेज में कोई भी चीज़ मुझसे छूट जाए। हालांकि ये विलेज मेरे घर के बहुत पास में है, तो मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ, पर भाई अभी रिस्क क्यों ले, अभी टाइम है हमारे पास, आराम से एक्सप्लोर करेंगे।
तो एक बार पूरा चक्कर मार लेता हूँ इस साइड में आया था कि नहीं देख लेता हूँ, डोर्स ओपन होंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं साइड ओपन आया था। अब रात हो रही है भाई, अब रात हो रही है तो मुझे वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बेड था। तो यहाँ मैं घुसा था कि नहीं, ओके डबल डोर सिस्टम और ओके यहाँ आया था मैं, तो ये बेड है। तो ऐसे ही किसी जगह मुझे घुसना होगा क्योंकि रात हो रही है, मैं नहीं चाहता कि जॉम्बी स्पॉन हो और मेरे डायमंड मुझसे छूट जाए। भाई बड़ी मुश्किल से तो डायमंड मिले हैं भाई, उनको मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। तो यहाँ तो मैं आ चुका था, इस साइड भी आ चुका था, तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है इस जगह को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अब सो जाता हूँ, सुबेरे फिर हम अपने घर वापस चलेंगे क्योंकि मुझे वहाँ पर एनिमल फार्मिंग की भी स्टार्टिंग करनी है। मैंने जो जगह बनाए हुए थे अपने घर के सामने में, वहाँ पर मुझे बहुत सारे एनिमल लाने पड़ेंगे। तो भाई वापस नींद आ रही है, सो जाता हूँ भाई, मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो भाई गुड नाइट, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया भाई, ठीक है मैं उठ गया। तो वापस एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कुछ चीज छूट तो नहीं रही है, सब जगह मैं ढूंढ चुका हूँ, फिर हम चलेंगे अपने घर वापस। तो मुझे और कोई घर तो दिख नहीं रहा है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। इस साइड भी शायद मैं आ चुका था, फिर भी एक बार जाके देख सकते हैं क्योंकि भाई अगर गलती से कहीं डायमंड रह गए और मैं उन्हें नहीं ले पाया तो बहुत रिग्रेट होगा मुझे, इसलिए एक बार थॉरली चेक करने में क्या जाता है। तो यहाँ वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो इस साइड तो मैं आया था, वो फॉर्म भी मुझे दिखा था, तो इस साइड का स्ट्रक्चर भी मैंने देखा हुआ था, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये घर है। अब इस साइड जाके देखते हैं कि यहाँ कोई घर बाकी है कि नहीं। तो इस साइड तो कुछ भी नहीं है, खाली है, इस साइड का एरिया भी पूरा तरीके से खाली है। तो चलिए लगभग मैंने एक्सप्लोर कर लिया इस विलेज को और जितनी सारी चीज़ें मुझसे मिल सकती थी सबको मैंने कलेक्ट कर लिया। चलिए अब वापस चलते हैं अपने घर। A few moments later. तो भाई मैं अपने घर के रास्ते में जा रहा था, कुछ अलग ही रास्ते से मैं आया हूँ। तो इस घर वापसी के रास्ते में मुझे एक स्पेशल चीज़ दिखी जो सामने शायद आपको दिख रही है, वो है एक और नेदर रुइन। मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि मुझे तीन तीन रुइन मिले थे घर के पास में, तो उसमें से एक ये था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया था, तो ये वही है। तो मैं यहाँ तक आया था लेकिन मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं किया, उस दिन मैं गया भी नहीं यहाँ पर। तो अभी मेरे पास ऑब्सीडियन है, मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं करूँगा। और यहाँ पर ये क्राइंग ऑब्सीडियन है, इसको भी मुझे लेना है, लेकिन अभी चारों तरफ से लावा से घिरा हुआ है, तो अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास डायमंड्स हैं, उस गोल्ड ब्लॉक को भी मैं बाद में लूँगा, तो अभी मैं कुछ मैं मरने का रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ पर मैं बाद में आऊँगा और मेरे घर के पास वाले नेदर पोर्टल को मेरे को पूरा करना है। तो भाई चलते हैं घर अपने वापस। तो लीजिए भाई हम अपने घर वापस आ गए। अब मैं बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी रख लेता हूँ चेस्ट में ताकि वो गुम ना जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने एनिमल फार्मिंग की। तो देखिए अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं ये पेंटिंग्स, लेकिन ये वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, काफ़ी ऑकवर्ड सी पेंटिंग है, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। बाद में और भी पेंटिंग्स बनाऊँगा, जगह जगह घर पर लगाऊँगा, काफ़ी अच्छे लगने चाहिए। तो फिलहाल तो जो भी चीज़ें हैं उनको वापस उनकी जगह पर रख देता हूँ। तो देखिए इसमें लावा बकेट है, मैं गया था केव्स में और लावा बकेट इकट्ठा करके लाए थे क्योंकि मुझे अपने फर्नेस के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी और लावा बकेट से अच्छा फ्यूल मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम सब कीमती चीज़ें रखते हैं, तो डायमंड वहाँ रख दिए, ऑब्सीडियन वहाँ रख दिए, यहाँ गए आयरन के टूल्स और साथ में रख दूंगा मैं आर्मर्स। तो यहाँ तो गई सारी चीज़ें। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे वर्ल्ड में यानी मेरे घर के आसपास जो एनिमल्स हैं वो स्पॉन होते रहते हैं और डीस्पॉन होते रहते हैं। तो अगर मैं उन एनिमल्स को अपने फॉर्म में जो वहाँ पर मैंने जगह बनाया हुआ है एनिमल फार्मिंग के लिए वहाँ पर लेके जाऊँ तो वो वापस डीस्पॉन तो नहीं हो जाएंगे ना। और भाई मेरा हंगर मीटर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो मुझे जल्दी से कुछ खाना पड़ेगा। इन सब के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मेरा हंगर मीटर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और धीरे धीरे मेरे सारे चेस्ट भरते भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको मेरे को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा और नीचे ही मैं बनाऊंगा एक स्टोरेज रूम, वहीं पर पूरा सामान स्टोर करके रखूंगा। तो लीजिए भाई मैं बाहर आ चुका हूँ, अब हम चालू करेंगे एनिमल फार्मिंग की।
तो अपने फार्म में मैं रखूंगा शीप्स क्योंकि उससे मुझे वूल मिलेंगे, मैं रखूंगा काउज क्योंकि मुझे उनसे मिल्क मिलेगा और साथ में मुझे मिल सकते हैं लेदर्स, तो उनको रखूंगा, और ज़्यादा हुआ तो चिक्स रखूंगा या फिर मैं हॉर्सेस रख सकता हूँ क्योंकि पिक्स मुझे कुछ खास लगते नहीं, मुझे उन्हें रखना भी नहीं है। तो मैं थोड़े पम्पकिन इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि मेरे घर में काफ़ी जगह अंधेरा है, तो मैं पम्पकिन से बनाऊँगा जैक ओ लेंटन और उन्हें लगाऊँगा जगह जगह पर ताकि थोड़ी रोशनी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जानवरों के पास मॉब या फिर पिलेजर स्पॉन हो और उन्हें मार डाले, तो मुझे जगह जगह लाइटिंग करनी होगी जहाँ जहाँ पर भी डार्क है ताकि ज़्यादा मॉब्स भी स्पॉन ना हो मेरे घर के आसपास, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो थोड़े वीट इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि मैं जानवरों को ला सकूँ, तो ये हो गया वीट। तो मुझे ढूंढने होंगे आसपास काउज होंगे तो उनको मैं ले आऊँगा और साथ में शीप भी ले आऊँगा। तो भाई मेरा सोचना ये है कि अगर हम किसी जानवर को ले आते हैं अपने फॉर्म में और उन्हें फीड कर देते हैं तो शायद वो डिस्पॉन नहीं होते, ऐसा होना चाहिए। तो फिलहाल अपने जो फॉर्म है उसका एक राउंड मार के देखते हैं घर के आसपास कि कहीं मुझे काऊ या फिर एक शीप मिलती है कि नहीं, उनको फिर मैं अपने फॉर्म के अंदर ले आऊँगा। फिर मैं धीरे धीरे करके सभी जानवरों को ले आके यहाँ पर एक अच्छा क्राउड बना लूँगा। तो मुझे एक चिक दिख रही है, अभी मैं चिक को नहीं लूँगा और पिक तो वैसे भी मुझे नहीं फॉर्म करना है क्योंकि पिक को लोग जनरली मीट के लिए फॉर्म करते हैं और कुछ काम आते नहीं है वो, तो मेरे पास खाने की कोई कमी तो है नहीं, तो इसलिए मैं पिक को छोड़ देता हूँ। मुझे शीप्स चाहिए क्योंकि शीप्स से मुझे वूल मिलेंगे, मैं कारपेट भी बना सकता हूँ, कारपेट बनाऊँगा तो मैं घर को डेकोरेट भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे शीप्स चाहिए। तो चलिए बाहर निकलते हैं, ये छोटा सा पिग यहाँ घूम रहा है, एक बार बाहर निकलते हैं और काऊ की तलाश करते हैं कि आसपास मुझे कोई काऊ दिख जाए। फिर इनको मैं घर में लाने के बाद वो मैंने जो पम्पकिन्स निकाले थे, और यहाँ पर देखिए अंदर एक शीप है लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ देर बाद ये डिस्पॉन हो जाएगी। मैंने इस चीज़ को अपने वर्ल्ड में काफ़ी ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा हुआ है कि जितने भी जानवर स्पॉन होते हैं मेरे घर के आसपास वो वापस डिस्पॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आसपास तो मुझे कोई कहीं नहीं दिख रही भाई काऊ, खाली पिक से दिख रहे हैं और शीप भी नहीं दिख रही, इवन एक भी शीप नहीं दिख रही। कहाँ है सब जानवर, कोई दिख ही नहीं रहा है। इस साइड नहीं दिख रहा है, ओके सामने एक शीप दिख रही लेकिन वो गायब हो गई, देखिए आंखों के सामने गायब हो गई। तो वहाँ मुझे एक और शीप दिख रही है, वो वाइट कलर की, चलिए इसे बुलाते हैं। तो भाई शीप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे घर चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। भाई तो ये शीप्स तो फंस गई, अभी आ नहीं रही है मेरे पास में, हार्ट भी निकल रहा है तब भी नहीं आ रही, और देखिए जो अंदर जो शीप थी वो डिस्पॉन हो गई तो ये अटेम्प्ट तो फेल हो गया। कोई नहीं, बाकी किसी और शीप को बाद में ढूंढ के ले आऊँगा मैं, तो ये तो अब देख भी नहीं रही मेरे साइड में। अरे गुस्सा हो गई क्या, जाने दो, इसे यहीं छोड़ते हैं और अब ढूंढते हैं कोई काऊ, काऊ को मैं ले आता हूँ, अब देखता हूँ आसपास कोई काऊ तो नहीं दिख रही, यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रही है। वैसे तो बड़े जानवर स्पॉन होते हैं लेकिन अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा है, कहाँ गए भाई, इस साइड भी नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद मैं एक काम करूँगा कि काऊ के बाद मैं चिक्स को ले आऊँगा, चिक्स भी काफ़ी यूज़फुल हैं क्योंकि उनसे जो रॉ मीट मिलता है, जो चिकन मिलता है वो मेरे फॉक्सी के काम आ सकता है, तो फॉक्सी उसे चाव से खाता है,
तो चलिए भाई, फॉक्सी के लिए भी चिकन का इंतजाम करना पड़ेगा, और उसके लिए जैसा आप लोगों ने कहा कि मुझे एक डाउ हाउस भी बनाना है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो एक काउ दिख गई, एक काउ दिख गई, चलिए अब इसे ले चलते हैं अपने फॉर्म में। तो होप कि ये काउ मेरे पीछे पीछे आए और इसको मैं अंदर बंद कर सकूं। भाई किसी तरह से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो काउ आ रही है पीछे पीछे, बढ़िया। तो मुझे इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पर इसे मैं रख सकूँ, ऐसे दौड़ते हुए आ रही है। बस अब थोड़ी देर और, नाच भी रही है, एकदम स्प्रिंट मारते हुए आ रही है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड रखा जाए, तो काउस को मैं यहाँ रखूँगा। तो आ जा भाई काउ, आ जा। तो ये भाई मेरी पहली एनिमल यहाँ आ गई, तो इसे खिला देता हूँ। तो मिशन सक्सेसफुल हुआ, पहली काउ मेरे घर के अंदर। अब बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि कोई और जानवर मुझे मिल जाए, कोई और एनिमल मिल जाए जिसको मैं यहाँ ला सकूँ। अगर मुझे शिप्स मिल गई तो ले आऊँगा, एक अटेम्प्ट तो मेरा फेल हो गया। अभी दूसरा देखता हूँ कि कोई और मिल जाए मुझे, तब मैं उसे और ला पाऊँ। तो इधर आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है, इधर जाके देखता हूँ आगे कि कोई मिल जाए मुझे। तो ओके, मुझे यहाँ चिकन्स दिख रही है, तो चिकन्स को ले जाना ठीक रहेगा कि नहीं, आगे बढ़ूँ, या तो शायद चिकन्स को ही ले जाता हूँ। अभी मेरे पास सीड्स है तो ये मेरे पीछे पीछे आ सकती हैं। तो चलिए, कोई और तो दिख नहीं रहा है, तो चिकन्स को ही ले जाते हैं। हे चिकन्स, आ जाओ चिकन्स। तो इनको भी अपने साथ में अपने घर में ले चलता हूँ। तीन तीन चिकन्स एक साथ है, अभी तीन चिकन्स हैं, इनसे और भी चिकन्स बनेंगे, ये और एग्स देंगी, एग्स में से और चिक्स निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से चिकन्स को फॉर्म करना बहुत ही आसान होता होगा, क्योंकि ये लगातार अंडे देते रहते हैं। तो देखिए, आपको हर बार इनको ब्रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके एग से भी चिक्स निकाल सकते हो, और इनका जो एग देने का रेट है वो काफ़ी हाई होता है, मैंने देखा हुआ है। और ये सब मैं कर रहा हूँ केवल अपने फॉक्सी के लिए, क्योंकि उसको चिकन खाना पसंद है। अदरवाइज आई एम स्ट्रिक्टली अ वेजिटेरियन, इसलिए मैंने इतनी सारी वेजिटेबल और बाकी सब चीज़ें उगाई हुई है। ओए कहाँ रह गई, अरे आओ भाई इधर आओ, चलो चलो वहाँ नहीं रुकना है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओए भाई तू कहाँ जा रही है, इधर आ इधर आ, चलो सब अंदर चलो चलो चलो, तुमको तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ, अब तुमको यहीं रहना है। ओहो कितने एडोरेबल है, कितने छोटे छोटे पाँव से आते जा रहे हैं। तो बस अब थोड़ी देर और, थोड़ी दूर और है, ये देखिए आ गए हैं लगभग। फिर एक, अरे यार तू रुक क्यों जाती है भाई, वापस आ। तो भाई बीस्ट बॉय के एक वीडियो में उसने इसका नाम चीपू रखा हुआ था, चीपू पता नहीं क्यों। तो फिलहाल तो मैं उसे कोई नाम नहीं देने वाला, बस आ जाओ तुम अंदर। वैसे एक चिकन के लिए चीपू नाम बहुत ही अच्छा है। लोग भूखी होंगी तो इनको पहले खाना खिला देते हैं, इसीलिए मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और इनकी ब्रीडिंग चालू। तो अब इन्हें यहाँ छोड़ के अब चलते हैं अपने घर में वापस। और देखे तो ओके, एक छोटा चीपू भी आ गया, अब इनकी फैमिली कंप्लीट हुई। तो भाई अब आज के लिए बहुत हुआ, बस करते हैं। और ये था भाई वीडियो जिसमें आपने देखा कि मुझे डायमंड्स भी मिले और मैंने एनिमल फार्मिंग की स्टार्टिंग भी कर दी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स गेम पोर्टल 1 2 3 तीनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।